जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तजनों, आज संडे है और संडे के दिन हम संडे क्यू एन ए लेकर हाजिर हुए हैं और हम आपके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। पहला प्रश्न है, मंत्र जप और नाम जप एक ही है या अलग अलग हैं और इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो देखो प्यारे भक्तों, मंत्र जप और नाम जप दोनों अलग अलग हैं। प्यारे भक्तों, मंत्र जप से नाम जप सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नाम जप से परम पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाम जप ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। ये सभी हमारे संतों ने बताया है, सभी हमारे शास्त्र कह रहे हैं और स्वयं भगवान ने भी कहा है कि कलयुग में केवल नाम के जप से ही सब कुछ की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। और प्यारे भक्तों, नानक जी ने भी कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार नाम जाने बिना कोई ना उतरा पार। तो प्यारे भक्तों, आप केवल और केवल नाम जप करें। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाम जप करते समय गंदे गंदे विचार आते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए हम बहुत वीडियो भी चैनल पे डाल चुके हैं कि मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए, यानी मन में गंदे गंदे विचार ना आए, और मैंने सब में अलग अलग उपाय बताए हैं। आप उनमें से किसी एक उपाय को अपना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा उपाय को भी अपना सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, मन में गंदे विचार ना आए, इसका सबसे पहले तो उत्तर ये है कि जब आप भगवान का नाम जप करने लगोगे और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपका मन अपने आप ही नियंत्रण में होने लगेगा, और जब ये भगवान में लगने लगेगा तो गंदे विचार आ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन नियंत्रित नहीं होता और आपके फिर भी कमेंट आते हैं कि मन में गंदे विचार आते हैं, तो देखो आने दो, जहाँ ये मन जाता है जाने दो। चाहे वो गंदे विचार आ रहे हैं मन में, चाहे अच्छे विचार आ रहे हैं, चाहे किसी की तस्वीर आपके सामने आ रही है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपका विचार आया उसी विचार में भगवान को खड़ा कर दो। यानी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम को मानते हैं, वहाँ देखो कि ये मेरे राम हैं। कृष्ण को मानते हैं, उस विचार में देखो यहाँ मेरे कृष्ण जी हैं। चाहे विचार है या फिर जैसे आपने आपके कोई विचार आया, कोई अजीब जानवर देख लिया, कोई इंसान देख लिया, तो उस इंसान में ही, उस जानवर में ही भगवान की छवि देखो, उसको भगवान को वहाँ खड़ा कर दो। तो फिर ये मन जाएगा कहाँ? जब इस मन को लगेगा ये तो हर जगह भगवान को ही देख रहा है, तो ये अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा और आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और आपके जो मन में गंदे गंदे विचार आते हैं जब करते समय, वो आना स्वतः ही बंद हो जाएंगे। प्रेमी भक्तों, अगला प्रश्न है, क्या हम किसी और के सुख के लिए मानसिक जप कर सकते हैं? निसंदेह प्रेमी भक्तजनों, किसी और के सुख के लिए, शांति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, आपको संकल्प लेके करना पड़ेगा। आप मन में संकल्प लें, मन से जिस भी इंसान के लिए आप जप करना चाहते हैं, जो भी आप इच्छा उसके प्रति पूरी करना चाहते हैं, उस इच्छा को मन से दोहराएं तीन बार, संकल्प लें, तीन बार संकल्प लेके और आप जप शुरू कर दें। और हो सके तो जब आप संकल्प लें, अपना श्वास अंदर खींच के और श्वास को रोक के उस समय संकल्प लेंगे और फिर आप नाम जप करेंगे उसके लिए जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, तो अति शीघ्र आपकी इच्छा पूरी होगी, फल की प्राप्ति होगी। तो प्यारे भक्तों, ये आज के तीन प्रश्न मैंने आज के वीडियो में लिए, उम्मीद है आपको इनसे अवश्य लाभ मिलेगा और आप इनका अच्छे से अर्थ समझ गए होंगे। तो प्यारे भक्तों, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने प्रश्नों का हल जानने के बाद
ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ें और अपना कल्याण करें और इन वीडियो को औरों के पास भी शेयर करें ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करें, क्योंकि नानक जी कहते हैं आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। तो खुद जपो और औरों को भी जपाओ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।